हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा, आज का टॉपिक है अखरोट। जी हाँ दोस्तों, अखरोट के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसमें कितने पोषक तत्व और कितना ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, अखरोट ये में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन सिक्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। जी हाँ, इसमें आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन ई और विटामिन ए होता है। कहा जाए तो अखरोट पोषक तत्वों की खान है। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। यह वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें गुड फैट होता है और प्रोटीन होता है। इसका नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन करने से मोटापा कम किया जा सकता है और मोटापा को दूर भी रखा जा सकता है। जी हाँ, यह कोलेस्ट्रॉल को सही रखने में और हार्ट संबंधी रोगों को दूर रखता है। कहते हैं जैसे जिसकी शेप होती है वह उस अंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जो भी चीज़ होती है अगर उसकी शेप किसी का आकार ले लेती है, किसी भी ऑर्गन का हमारे, तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जी हाँ, तो यह अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसकी शेप जो है वो आपके दिमाग की तरह लगती है, जैसे आपकी मस्तिष्क होता है। जी हाँ, यह दिमाग के लिए बहुत लाभदायक होता है और मेमोरी पावर को अच्छा बनाता है, याददाश्त को अच्छा रखता है। यह मस्तिष्क का भोजन भी कहा जा सकता है और तनाव को दूर रखता है। जी हाँ, अखरोट में कैल्शियम होने के कारण यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उसको यह बहुत कम कर देता है। जी हाँ, अखरोट से पुरुषों में स्पर्म हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे उनकी रिप्रोडक्शन हेल्थ में सुधार आता है। जी हाँ दोस्तों, यह हमारे जो स्पर्म हेल्थ होती है पुरुषों में, उनकी ये बहुत अच्छी कर देता है अगर इसका नियमित और संतुलित मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो। अखरोट में बहुत अधिक पोषक तत्व होने के कारण यह गर्भाशय को स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्रेगनेंसी में बच्चे के विकास में मदद करता है। जी हाँ, जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन्हें इसका सेवन नियमित करना चाहिए। इसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स होता है जो निद्रा को नियमित करता है और अनिद्रा को दूर भगाता है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को नींद न आने की प्रॉब्लम है वो इसका नियमित सेवन करें। यह हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके सेवन से त्वचा साफ व चमकदार हो जाती है और बाल लंबे व घने हो जाते हैं। जी हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इसको कितना खाएं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इसकी क्वांटिटी नियमित ना खा के असंतुलित मात्रा में अगर इसको लेंगे तो यह फ़ायदा के बजाय नुकसान भी कर सकता है। इसको आप दिन में 5 से ज़्यादा अखरोट नहीं खाने चाहिए आपको। आपको केवल 5 की क्वांटिटी तक ही इसको लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। ज़्यादा सेवन से वज़न बढ़ भी सकता है, जैसे कि ये वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर आप इसको ज़्यादा खाएंगे तो यह आपका वेट लॉस करने के बजाय वेट गेन भी कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हमने की अखरोट जो इसके अंदर का खाने वाला हिस्सा होता है। अब आते हैं जो अखरोट का हमारे छिलका होता है वो हम लोग ख़राब समझ के मोस्टली फेंक देते हैं, जो कि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको इसे नहीं फेंकना चाहिए, ये बहुत काम की चीज़ होती है। जी हाँ, इसके छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और अखरोट के छिलकों को हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके छिलके बारीक पीसकर त्वचा के लिए स्क्रब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं
और इसके छिलकों को जलाकर उसकी राख का पेस्ट बनाकर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अनचाहे बालों पर लगाने से उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। जी हाँ, अगर आप इसके छिलकों को जला लें और उनका पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और उसे अनचाहे बालों पर लगाएं तो उनसे बहुत हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। अखरोट के छिलकों का पानी उबालकर पीने से कब्ज़ दूर होता है, और जिन लोगों को आयोडीन की कमी होती है वो आयोडीन की कमी को भी पूरा करता है। अगर आप इसकी जिन लोगों को आयोडीन की कमी है उनको इसकी नियमित इसका पानी पकाकर 1-2 चम्मच रोज़ पीना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है ऐसी, और आप कोई दवाई ले रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से परामर्श के अनुसार ही इसको लें, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। और अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेश्चंस का आंसर देना मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।